सो हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स जो है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें से ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम कह लीजिए आपसे 8-9 क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में कट टू कट कट कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में आपके जो वोकेशनल कोर्स है जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के जो कोर्स बैंकिंग जो है इस सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी शुड कीप आवर सेविंग विद बैंक बिकॉज हम अपनी सेविंग को बैंक के साथ क्यों रखते हैं, हम अपने पैसा बैंक में जमा क्यों करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आप अपना पैसा जो है वो बैंक में क्यों जमा करते हैं। आपका ऑप्शन दिया है ये सेफ होता है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक पे उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम, हम अपने बैंक के पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं जब हमारी इच्छा की, जब हमें जरूरत पड़ी कि अब हमें मान लीजिए हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, हमें एजुकेशन लोन लेना है, तो कुछ भी लेना है तो हम जाकर पैसा जमा किए हैं बैंक से तो हम वहां से जाके इजिली विड्रॉ कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि आप बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं। ऑप्शन ए है कि ये सेफ रहता है, ऑप्शन बी ये कि इस पे आपको इंटरेस्ट हाई मिलता है, ऑप्शन सी आपका ये सेफ रहता है और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। बेसिकली इन तीनों रीजंस की वजह से हम अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, एटीएम पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विद, कि एटीएम का पासवर्ड हमें किसके साथ शेयर करना चाहिए, ऑब्डिएंट सन, ऑब्डिएंट डॉटर यानी कि धारक के बेटे के साथ, धारक के पुत्री के साथ या किसी के साथ नहीं या स्पाउसेस के साथ। तो हमें अपना एटीएम का पासवर्ड, जब भी आप एटीएम लेने जाते हैं तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा रहता है कि आपका जो पासवर्ड है आप किसी के साथ शेयर ना करें। गवर्नमेंट भी कई सारी स्कीम चला रही है कि जिसमें आपको बताया जाता है, आपको आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको जागरूक किया जाता है। इसी के रिलेटेड इसलिए हम लोग जो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड जो बैंकिंग का कुछ पढ़ रहे हैं इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि इसमें हमें बैंक से होने वाले या बैंकिंग जो सिस्टम है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो आजकल क्राइम चल रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली इस कोर्स का मोटिव यही है कि आपको उसके प्रति जागरूक कराया जाए। तो क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने एटीएम का पासवर्ड किसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ना अपने बेटे के साथ करेंगे, ना अपनी बेटी के साथ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, केवाईसी मींस, केवाईसी का मतलब क्या होता है। केवाईसी का बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। आगे बढ़ते हैं, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, यानी कि जो आपके गांव में पहले आपको जो लोन देते थे, जो आपके मान लीजिए आपने पुरानी मूवीज देखी होगी, जो आपके जमीन का कागज रख लेते थे या फिर जो पुराने पुराने सेठ रहते थे, बेसिकली जो सेठ रहते थे वो अगर आपको लोन देते थे तो वो क्या होता था, वो किस प्रकार आपको लोन देते थे। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, कई सारी मूवी है जिसमें आपको पुराने जो लाला रहते थे या जो सेठ रहते थे तो आपसे आपके घर अगर आपको लोन दे रहे हैं तो उस पर पहले तो कई सारे हाई चार्जेस लेते थे, हाई चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे आपसे। उसके बाद अगर आप पेमेंट कर भी देते थे, अगर आप पैसा किस्तों में चुका रहे हैं तो नोट डाउन नहीं करते थे अपने कॉपी में, एंड आप बाद में जब उनसे बोलने जाते थे कि मैंने पेमेंट कर दिए तो वो कहते थे मेरे डायरी में लिखा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उसके बाद आपकी जमीन वो कब्जा कर लेते थे। तो बेसिकली मनी लेंडर्स का रोल कम करने के लिए गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट बैंक्स वहां पे एस्टेब्लिश की, रूरल एरिया में नाबार्ड एस्टेब्लिश की, तो कई सारी गवर्नमेंट भी स्कीम्स लाई जिससे मनी लेंडर्स का जो रोल है उसको कम किया जा सके। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, तो मनी लेंडर्स जो लोन देते थे वो क्या होता था, उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि रेट जो है वो काफी हाई था, जहां बैंक पे आपको 6% पे लोन मिल जाएगा तो वहां पे मनी लेंडर्स जो आपको कितने इंटरेस्ट पे देते थे,
12 से 15 या कभी कभी 20 भी इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। नो प्रॉपर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होती थी। मैंने आपको बताया कि अगर आप पैसा पेमेंट कर भी दे रहे हैं तो भी अपनी डायरी में नोट डाउन नहीं करते थे कि हाँ मैंने रीपेमेंट हुई है, एंड देन आफ्टर जो आप कोलेटरल उनके पास रखे रहते थे वो उस पर कब्जा कर लेते थे। ये बेसिकली उनकी चाल होती थी। नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। लाइफ इंश्योरेंस मीन, लाइफ इंश्योरेंस मीन, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन यानी कि हमारे आदमियों का इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपकी जान जाती है, एक्सीडेंट होता है उस पर आपको इंश्योरेंस, ये आ सकता है। इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल्स, कैटल्स मीन्स बेसिकली जानवर जंतु होते हैं जिनको आप पाल के रखते हैं। इंश्योरेंस ऑफ लाइफ एंड मशीन्स, मशीन्स का भी इंश्योरेंस होता है। आप कार खरीद के ला रहे हैं, आपका जो कार खरीद रहे हैं या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं या कोई इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री, मशीन लगा रहे हैं, तो उसका भी बेसिकली आपका इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या क्या होगा, इंश्योरेंस इन तीनों चीजों में इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब, इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेंस्ट, तो जनरल इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट, मतलब जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो सकता है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है आपसे। फायर, आग, सॉरी, तो जनरल इंश्योरेंस में आपका फायर भी कवर होता है, थेफ्ट भी कवर होता है, बर्गलेरी भी कवर होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है टारगेट गुरुकुल। ये आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल नाम से। और अगर आप नहीं वहां पाते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है टारगेट गुरुकुल करके, उसको भी अपडेट कर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात कर रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बैंक प्रोवाइड लोन्स फॉर, बैंक हमें किस लिए लोन प्रोवाइड करता है, किस किस विषयों के लिए हमें बैंक लोन प्रोवाइड करता है। होम के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, होम के लिए, सॉरी एक सेकेंड, सो बैंक हमें किस लिए लोन प्रोवाइड करेगा, अगर हम घर बनवाना चाहते हैं उसके लिए लोन हमें प्रोवाइड करेगा, अगर हम कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, ये मान लीजिए मैं कोई कोचिंग खोलना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता हूँ, कुछ भी अगर नई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें लोन देगा। कार के लिए भी लोन दे सकता है, हम अगर हमें पढ़ाई करनी है फॉरेन जाके अपने आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए भी आपको बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर देगा। तो बैंक हमें इन तीनों के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ते हैं। विच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेड, यानी कि कौन सी ऐसी नोट है जिसका सिक्योरिटी थ्रेड है। सिक्योरिटी थ्रेड मतलब बेसिकली क्या होता है, वो गवर्नमेंट के लिए एक सिक्योरिटी है कि मान लीजिए आपके 500 नोट है तो आपके पास 500 की सिक्योरिटी है, 1000 है तो आपके पास 1000 की सिक्योरिटीज है। तो कौन सी नोट के पास सिक्योरिटी थ्रेड होता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिक्योरिटी थ्रेड के बेसिस पे कौन सी करेंसी के पास, कौन से नोट के पास होता है, 50 के पास होता है कि 100 के पास होता है कि 500 के पास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, तो मनी को रखने का सबसे सुरक्षित जगह क्या हो सकती है। अ पिट डग इन द ग्राउंड, यानी कि आप पैसे को मटके में रखे और मटके को जमीन के अंदर गाड़ दिए, इसमें आपका पैसा है, छोटे छोटे सिक्के हैं, ये सेफ हो सकता है। या आयरन बॉक्स, मान लीजिए आप कोई लोहे का डब्बा लिए, इसमें आप लॉक लगा दिए और इसमें अपना पैसा रख दिए, ये सेफ हो सकता है। या फिर बैंक में आप जाके अपना पैसा रख दे रहे हैं तो ये सेफ होगा। तो आपसे पूछा है कि सबसे सेफेस्ट क्या हो सकता है, और चौथा जो है आपका मनी लेंडर है, जो मैंने बताया आपको जो लाला होते थे पहले के जमाने में, या फिर अभी कई विलेज में हो सकते हैं सेठ दिखने को मिल जाएंगे जो, या फिर जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो बेसिकली जो
वहाँ के उस एरिया के जो गरीब रहते हैं उन पे डोमिनेट करते हैं, उनको उनका जो कोलेटरल है उनकी जमीन के कागज ले लेते हैं और उनको छोटा अमाउंट लोन देते हैं, और फिर बाद में उनसे किसी तरह भी करके उनका जो ट्रांजेक्शन रहता है उसमें काफी जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, एंड देन आफ्टर उनके जो कोलेटरल रहती है उसको भी वो अपने पास रख लेते हैं। सो सेफेस्ट प्लेस आपसे पूछा है क्वेश्चन कि अगर आपको अपना मनी रखना है कहीं सेफ तो सेफेस्ट प्लेस कौन सी होगी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंक होगा। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ओरिएंट शुड बी कीप्ड इन द बैंक बिकॉज, तो गोल्ड एंड सिल्वर के जो ऑर्नामेंट होते हैं उनको बैंक में क्यों रखा जाता है, यही पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट है उनको बैंक में क्यों रखा जाता है, बैंक में आपको लॉकर प्रोवाइड होता है जहां पे आप अपने जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं उसको रख सकते हैं, अलग अलग लॉकर आपको प्रोवाइड होता है, तो क्यों रखा जाता है वहां पे, वही आपको ऑप्शन दिया है, इट इज सेफ, वो सेफ होता है इसलिए रखा जाता है, वहां पे चोरों का खतरा नहीं होता है इसलिए रखा जाता है, ऑप्शन सी आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि वहां पे सेफ भी रहता है और चोरों का खतरा भी नहीं है इसलिए रखा जाता है, और ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी, जहां बैंक है आपका वहां पे ना आपको चोरों का खतरा होता है और वहां पे अगर आप अपना ऑर्नामेंट रखते हैं चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो या चाहे आप मनी ही रख रहे हैं तो आपका सेफ रहता है, वहां पे किसी प्रकार का खतरा वहां पे नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बैंक बैंक पासबुक क्या होता है, तो बैंक पासबुक क्या होता है क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, बैंक पासबुक का क्या यूज है, बैंक पासबुक कहाँ से हमें मिलता है, क्या क्या उसका है, बेसिक फंक्शन वही है। तो बैंक फंक्शन बैंक पासबुक क्या होता है, इशूड बाय बैंक, तो बैंक पासबुक जो है वो बैंक ही इशू करता है, चाहे आपका यूनियन बैंक हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, तो इशूड बाय बैंक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कंटेन ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि आप कोई भी विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सारी डिटेल आपके किस में रहती हैं, आपके बैंक पासबुक में रहती हैं। शो बैलेंस इन अकाउंट, एंड लास्ट में जो आपका लास्ट पेज रहता है वहां पे आपका रिमेनिंग जो बैलेंस रहता है उसको रिफ्लेक्ट करता है आपका बैंक पासबुक। तो ये सारी जो डिटेल है ये बैंक पासबुक को लेकर करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, तो बैंक हमें किस चीज पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो हम लोन लेते हैं उस पर प्रोवाइड करता है कि जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में उस पर डिपॉजिट करता है। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने गए, आप 5 लाख का लोन ले लिए, तो आप बैंक को जब पे करेंगे 5 लाख तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इस केस में आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना कि आपको बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो जब आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो लोन में तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। जब आप मान लीजिए मनी डिपॉजिट कर रहे हैं 5 लाख रुपए, आप अगर मान लीजिए 1 साल के लिए जमा किए हैं बैंक में, तो इस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है 6% या 7%, तो इस तरह के जो इंटरेस्ट आपको मिलते हैं वो आपके डिपॉजिट पे मिलते हैं। तो बैंक आपको किस केस में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपके डिपॉजिट के केस में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, एंड डी तो नन ऑफ द अबव तो गलत ही है। तो बैंक आपको किस केस में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, जब आप मनी डिपॉजिट करेंगे कहां पे बैंक में, मनी लेंडर के पास करेंगे तो आपका पैसा भी खा जाएगा और कुछ प्रोवाइड भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन, अब वही क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया कि आप बैंक चार्ज कब करेगा इंटरेस्ट आपसे। पहले केस में तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा था, कब दे रहा था, जब आप मनी डिपॉजिट किए थे बैंक में। अब बैंक आपसे कब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जब आप बैंक से लोन लेंगे तो उस पे आपसे बैंक क्या है, क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका लोन, बैंक आपसे कब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जब आप बैंक से लोन लेंगे। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे एक बेसिक टर्म आता है, आपको बता देता हूँ, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला होगा। मान लीजिए आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं 4 लाख, ठीक है, बैंक में मनी डिपॉजिट किए 4 लाख, इस पे आपको बैंक प्रोवाइड कर रहा है कितना इंटरेस्ट, 7%। और मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं इसी 4 लाख का, ठीक है, तो इस केस में आपसे जो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट वो करेगा इससे ज्यादा, मान लीजिए 9% चार्ज कर रहा है,
तो बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है? बैंक मान लीजिए बैंक है तो वो तो कहीं से जिंदा रहना चाहिए ना, उसको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, मैनेजर की सैलरी देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो उसको पैसा कहाँ से मिलता है? बैंक में जो आपको, बैंक जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो मान लीजिए 7% है, और बैंक आपके लोन से जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है वो 9% है, ठीक है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, आपके इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट है और आपका जो लोन रेट है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी से आपका जो बैंक है वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। इसमें मान लीजिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 2% का आ रहा है, ठीक है? यही 2% बैंक का प्रॉफिट है। जो 2% बैंक का प्रॉफिट है इसी को बैंक प्रॉफिट नहीं बोलता है। बैंक अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलता है। बैंक के जो प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, जो आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है और जो इंटरेस्ट पेबल है, तो इंटरेस्ट पेबल माइनस इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसका जो डिफरेंस है उसी को आपका, उसी से जरिए आपका जो बैंक है वो आपका प्रॉफिट जनरेट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अपने प्रॉफिट को क्या बोलता है, स्प्रेड बोलता है। क्या बोलता है? स्प्रेड बोलता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। जनरल नॉलेज की चीज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको लेकर के। इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू, इंटरनेट बैंकिंग से क्या मतलब है? ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, यानी कि अकाउंट से, अकाउंट की जो भी डिटेल है, चाहे ट्रांजेक्शन करना हो, चाहे हमें पैसा भेजना हो, पैसा लेना हो, वो ऑनलाइन माध्यम से हो, यानी कि इंटरनेट के यूज से हो। ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू एटीएम, यानी कि एटीएम के थ्रू अकाउंट की ओपनिंग हो, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है। तो बैंकिंग मतलब क्या होता है, बैंकिंग का दो टर्म होता है बेसिकली। बैंकिंग मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन। एक सेकेंड, ट्रांजेक्शन ही आपका बैंकिंग को डिनोट करता है। तो बैंकिंग, अगर हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, तो जो भी ट्रांजेक्शन के फंक्शन है या फिर जो भी बैंकिंग का फंक्शन है, वो अगर इंटरनेट के यूज से हो रहा है तो हम उसको इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हैं। सो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इन रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स, यानी कि अगर आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, अ फिक्स सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ, पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज अ फिक्स टेन्योर, इंटरेस्ट इज पेड एट एफडीआर रेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो रिक्यूरिंग डिपॉजिट क्या होता है इसको समझने पहले, आप रिक्यूरिंग डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो रुपीज है वो आप हर महीने आपको एक फिक्स डेट पे आप बैंक में जमा करते हैं, यही होता है आपका रिक्यूरिंग डिपॉजिट। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से करेक्ट होगा आप बताइए। तो इस पे आपको, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, आपको इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। किसमें मिलता है, परसेंटेज में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब तक हम लोग आई थिंक 17-18 क्वेश्चन कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको करके हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, एटीएम का मतलब क्या होता है, कैश विड्रॉल, एटीएम कैन बी यूज फॉर, एटीएम किस लिए यूज करते हैं, कैश विड्रॉल के लिए, अकाउंट्स इंक्वायरी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए, या इन सभी के लिए। तो बेसिकली आपसे एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। अब इसका यूज की बात कर लेते हैं, यूज क्या क्या होता है, इससे हम लोग पैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपको एक पेपर पे लिख के दे देगा कि आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन इतनी थी, आपके में रिमेनिंग बैलेंस इतना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट की स्टेटमेंट भी निकाली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्या क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 19 है ये। व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, तो रुपे डेबिट कार्ड क्या है, आप सबने रुपे डेबिट कार्ड के बारे में सुना होगा कभी ना कभी, रुपे डेबिट कार्ड के बारे में आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। तो रुपे डेबिट कार्ड, आप कोई भी एटीएम कार्ड देखेंगे तो उसके ऊपर जिस कंपनी का वो रहता है वो लिखा रहता है, जैसे ये रुपे का, एक सेकेंड, हाँ, तो जो भी जिस कंपनी का भी एटीएम कार्ड रहेगा उसके ऊपर वो लिखा रहता है वो किस कंपनी का है। तो रुपे डेबिट कार्ड क्या इंडिकेट करता है, ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है,
प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल एटीएम एंड पॉस मशीन्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीन चार क्वेश्चन और बच्चे, उसको भी कंप्लीट करके जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आधार क्या होता है? बेसिकली अब आपसे पूछा कि आधार होता क्या है, तो आधार आप सब लोग जानते होंगे, आप सबके पास आधार होगा। आधार अब तो हर जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है सब में मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप आधार से लिंक करेंगे उसको। आधार होता क्या है? 12 डिजिट नंबर कार्ड होता है, इसमें बेसिकली 12 डिजिट की नंबर्स रहते हैं आपके आधार में। आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाई UIDAI आधार को इशू करती है, और ये एक तरह से आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहता है। बोथ ए एंड बी, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। और नन ऑफ द अबव, तो ये तो कहीं चांस ही नहीं आता, बिकॉज क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, पैन मीन्स, तो पैन का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, अ काइंड ऑफ यूटेंसिल, तो यूटेंसिल मतलब आप लोग को पता होगा, यूटेंसिल मतलब क्या होता है? यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो पैन का आपसे फुल फॉर्म पूछा था कि पैन क्या होता है, तो मैं यूटेंसिल की बात कर रहा था। यूटेंसिल मतलब बेसिकली बर्तन होता है। प्राइमरी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, या नन ऑफ द अबव, तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, करेंसी नोट आर इशूड बाय, जो नोट होती है हमारी, जैसे 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट है, 500 रुपए की नोट है, तो ये कौन इशू करता है? तो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी कौन है हमारे कंट्री की, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। नाबार्ड इशू करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक इशू करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, या कौन इशू करता है? तो हमारी जो करेंसी है हमारे कंट्री में वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। आरबीआई ही हमारा सेंट्रल बैंक है, ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल बैंक कौन है, तो सेंट्रल बैंक कौन है हमारे कंट्री का? आरबीआई है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमा के ये भी पूछ सकता है कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक तो ये हो गया आरबीआई, आपको मैंने बता दिया कि नोट जो इशू करती है हमारे कंट्री में वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कॉइन कौन इशू करता है, कि हमारे कंट्री में कॉइन कौन इशू करता है, तो कॉइन कौन इशू करता है? इसका आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1 रुपीज, मान लीजिए आपसे पूछ लिया 1 रुपीज की जो कॉइन है उसको कौन इशू करता है, तो 1 रुपीज की कॉइन आपको कौन इशू करता है? आपका जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है आपकी, वो आपकी इशू करती है 1 रुपीज की कॉइन को। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मिनिस्ट्री भी दे सकता है, तो आप 1 रुपीज के कॉइन को कौन इशू करता है? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इशू करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया, कॉइन्स कौन इशू करता है? तो कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, नाबार्ड इशू करेगी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा, कौन इशू करेगा? जैसा आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इशू करता है आपका 1 रुपीज कॉइन, या फिर कॉइन्स के जितने भी रहते हैं, चाहे 10 रुपए कॉइन हो, 20 रुपए कॉइन हो, 50 रुपए कॉइन हो, 70 रुपए कॉइन हो, जो भी कॉइन हो उसको कौन इशू करता है? मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। अब यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या होगा? मैंने तो गलत बता दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, या फिर जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो गई, या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, या फिर जितनी भी मिनिस्ट्री है, सब किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो जो भी इशू है, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नहीं दी है, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे टिक करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री हमारी काम कर रही है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, चाहे उद्यान मिनिस्ट्री हो, या फिर होम मिनिस्ट्री हो, जो भी मिनिस्ट्री हो, सब किसके अंदर आएगी? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगी। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन लोन्स,
एजुकेशन लोन किस लिए होते हैं बेसिकली आपसे ये पूछा है, कवर ट्यूशन फीस एंड एक्सपेंसेस, तो आपकी ट्यूशन फीस एंड एक्सपेंसेस को कवर करती है इसलिए होती है, तो बेसिकली ये ठीक है। और किसके लिए, आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आर रिपेबल आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो लोन अमाउंट रहता है उसको पे करना रहता है, ये भी ठीक है। ग्रांटेड फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि अगर आपको भारत में पढ़ना है, पढ़ना एक बात देखिए, स्टडी ये पॉइंट नोट करिए, अगर आपको पढ़ना है चाहे इंडिया में पढ़ रहे हैं चाहे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा प्रोवाइड करती है। तो एजुकेशन लोन के ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है, इसका ऑप्शन आई थिंक आप सभी लोग को आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो सबको पता होगा, इंडियन सिटीजन खोल सकता है, नॉन इंडियन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन खोल सकता है, इलिटरेट खोल सकता है, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि भारतीय नागरिक खोल सकते हैं बैंक अकाउंट, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन है यानी कि भारतीय निवासी नहीं है वो बैंक अकाउंट इंडिया में खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, इलिटरेट यानी कि जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, या नॉन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इलिटरेट पर्सन बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चल रही थी उसमें कई लोगों के अकाउंट खोले गए थे, जो गांव देहात के लोग हैं जिनके अकाउंट नहीं है, ताकि जो भी सरकार की धनराशि प्रोवाइड की जा रही है वो डायरेक्ट उनके तक पहुंच सके, इसके लिए जो इलिटरेट लोग थे उनका भी अकाउंट खोला गया था, तो ये पूरा तरह से गलत हो गया कि इलिटरेट लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। आगे बढ़ते हैं, What is meant by आधार सीडिंग, आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, तो आधार सीडिंग का मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं तो आधार सीडिंग मतलब बेसिकली यही होता है कि आप अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं, इसी प्रोसेस को आपको बोला जाता है आधार सीडिंग। तो आधार सीडिंग का क्या मतलब होता है कि अपने बैंक अकाउंट को आप आधार से लिंक कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को आधार सीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, यही करेक्ट है। आगे भी रीड कर ले, डुप्लीकेट इश्योरेंस ऑफ आधार, गलत, ट्रांसफर ऑफ आधार, गलत, नन ऑफ द अबव, तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर वन जो हमारा है वो करेक्ट है। सो आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, हम अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट अटैच टू PMJDY, PMJDY एक योजना है बेसिकली सरकार द्वारा चलाई जाती है, इससे पूछा है कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, अटैच्ड है, तो ये क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 1,00,000, लाइफ इंश्योरेंस कवर अप टू 30,000, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 1,00,000 रुपीज, ये आपका करेक्ट आंसर है। PMJDY योजना के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है कितने तक का, 1,00,000 रुपए तक का। हु कैन ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर PMJDY, PMJDY योजना के तहत कौन बैंक अकाउंट खोल सकता है, माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर, ओनली लेडी ऑफ द हाउस, ओनली हेड ऑफ द फैमिली, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसके तहत PMJDY योजना के तहत सभी लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो किसी घर का मुखिया हो, सब लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हु इज बैंक मित्र, बैंक मित्र क्या होते हैं, अब देखिए बैंक मित्र क्या होता है इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए, जो गांव देहात होते हैं, रूरल एरिया रहते हैं, वहां पे छोटे छोटे एक बैंक के ब्रांच बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अर्बन एरिया है वहां पे एक बड़ा सा बैंक है, मान लीजिए यूनियन बैंक ही है, ठीक है, वो हर जगह फैसिलिटी नहीं पहुंचा सकता, तो वो एक क्या करेगा, एक छोटा सा एक यूनिट डालेगा, मतलब बैंक मित्र करके, मान लीजिए एक ना ब्रांच खोल दिया, ब्रांच एक सेंस पूरा बैंक नहीं, वहां पे बस छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हो सकती है, छोटा छोटा अमाउंट अगर किसी को विड्रॉ करना है तो उसके लिए उसे ये अर्बन एरिया में ना जाना पड़े, रूरल एरिया में उसको बैंकिंग की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, इसके लिए बैंकिंग जो बैंक रहते हैं तरह तरह के बैंक अपना बैंक मित्र एक तरह से बेसिकली छोटा ब्रांच खोलते हैं, छोटा सा ब्रांच रूरल एरिया में, या फिर रूरल एरिया या फिर जो रिमोट एरिया रहते हैं वहां पे खोलते हैं, तो इसी को हम लोग बैंक मित्र कहते हैं। तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, बैंक मित्र क्या होता है, बैंकिंग कोरोस्पोंडेंट इंगेज्ड बाय बैंक, वैल्यूएबल कस्टमर टू बैंक, नहीं, सिक्योरिटी गार्ड इन बैंक, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बैंकिंग कोरोस्पोंडेंट इंगेज्ड बाय बैंक, यानी कि बैंक से वो लिंक रहते हैं और वो बैंकिंग की तरह काम करते हैं छोटे एरिया या रिमोट एरिया में। व्हाट इज अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना क्या है, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करता है, एक सेकेंड,
हाँ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है ये भी करेक्ट है। इंकरेज वर्कर टू वॉलंटरी सेव फॉर देयर रिटायरमेंट, यानी कि इंकरेज करता है।